श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सिंहस्थ लिखित श्रीमद सत्यानुसरण पाठ। निष्ठा रखो किंतु कट्टर मत बनो, साधु ना सजो, साधु बनने की चेष्टा करो। किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना ना करो, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। यदि प्रेम रहे तब पराई को अपना कहो, किंतु स्वार्थ ना रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है ठीक ही, किंतु यष्टिच्युत लाठी कोना होना और भी दुर्भाग्य है। कारण यष्टि ही आँखों का बहुत सा काम करती है। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। वे जो भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। जिस छात्र या शिष्य ने प्राणपण से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है वो कभी भी विफल नहीं हुआ। शिष्य का कर्तव्य है प्राणपण से गुरु के आदेश को कार्य में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जब ही देखोगे गुरु के आदेश से शिष्य को आनंद हुआ है, मुख प्रफुल्लित हो उठा है, तभी समझोगे कि उसके हृदय में भक्ति शक्ति आई है।